नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने फैसला कर लिया है। हम ये तो ना कह सकते कि हमें बहुत खुशी हुई, किंतु इन हालात में फैसला कर लेना ही उचित कर्म है। मैं कानून पढ़ूंगा। इका मतबल? कानून के सामने इंसान इतना कमजोर क्यों है, मुझे ये जानना है। कानून मेरी हिफाजत क्यों नहीं कर सकता, मुझे ये भी जानना है। इंसान ने जो कानून बनाया वो इंसान के खिलाफ कब हुआ, मुझे इसका भी पता लगाना है। वकील बनी हो, कानून पढ़ी हो? अरे पर ये सब तो तभी हो सकता था जब जिंदा रहोगे। हम अपनी कहते हैं शामिल हो जाओ दल में, पर नहीं सब, ये सब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कानून पढ़ने के लिए मुझे किताबें चाहिए। मैंने कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखी है। दादा सेठ से जाके बोलो मैं आ गया हूँ, और उससे कहना कि सौदा अकेले में होगा, किसी तीसरे आदमी के सामने नहीं। ओके? वार्डन के ऑफिस में तुम्हारे लिए कुछ आया है। थैंक यू कमिश्नर, थैंक यू। हाँ भेजे तो कमिश्नर साहब नहीं है, मगर देने में आई हूँ। मोहिनी, मैंने तुम्हें 500 खत लिखे, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। तुम कैसे हो? क्या मुझे जानने का कोई हक नहीं था? क्या मैं तुम्हारे सच के काबिल नहीं थी? क्या लिखता मैं तुम्हें कि कैसे जी जी के मर रहा हूं और मर मर के जी रहा हूं? अंधेरे में रहकर भटक रहा था, तब तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था, और रास्ता मिला तो देखो दरवाजा खोलने के लिए तुम ही आ गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, दर्द इतना मीठा भी हो सकता है, ये आज पता चला। चाय पिएगा क्या? हाँ ले। Thank you.
जब तक इस दायरे में हो महफूज हो, दायरे से बाहर निकले तो मुझ से शायद तुम्हें खुदा भी नहीं बचा पाएगा। अबे ये तेरे पाप की लक्ष्मण रेखा है क्या कि पार कदम रखा तो सीता को रावण उठा ले जाएगा? दे, रखा कदम। महफूज रहोगे। अब इनका क्या कष्ट? इनकी अपील यह है कि तुम्हें जीने ना दिया जाए, लेकिन मेरी दलील यह है क्योंकि हमला तुमने पहले नहीं किया इसलिए तुम्हें माफ कर दिया जाए। अबे तू क्या देवता है जो हम तुझे माफ कर देंगे? लड़ता तो शैतान की तरह है तू। मुश्किल यही है,
हालात इंसान को शैतान बना देता है, अगर देवता नहीं। देवता कैसे बनते ये तो मैं नहीं जानता। मैं एक इंसान हूं और हालात को इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि वो मुझे शैतान बना दे, आप लोगों की तरह। वाह, जियो मुन्ना, जियो। मुजरिम होने का दाग तो तुम पर लग ही चुका है। उससे पहले की कोरी जिंदगी कैसी थी? क्या जुर्म किया था तुमने? जुर्म? नफरत की इस दुनिया में मोहब्बत शायद सबसे बड़ा जुर्म है। मेरी मोहब्बत का नाम मोहिनी है, मोहिनी जिसे देख के फूल खिलखिलाते हैं, पंछी गीत गाते हैं। ये वही हरामज़ादा डिकोस्टा है जिसकी ज़लालत ना हम जैसे मुजरिमों को छोड़ती है और ना तुम जैसे मासूमों को बख्शती है। राजा ठाकुर, तू बोल, बोल तू। तेरी ये कहानी सुनकर अंधा तो क्या गूंगा भी कहेगा कि तू डिकोस्टा का शिकार है। तू पढ़, तू पढ़ रे, तू पढ़। अगर ये तेरी पढ़ाई डिकोस्टा के लिए है ना, तो हमारे किसी गैंग में शामिल होने की जरूरत नहीं। तू पढ़। पढ़ाई किसी राक्षस को खत्म नहीं कर सकती, मगर मंत्र से किया जा सकता है, और पढ़ाई किसी मंत्र से कम नहीं। अगर ये तेरा मंत्र है, अगर ये तेरा मंत्र है, तो एक बार तू उसे यहां ले आ, एक बार जादू मंत्र दिखा दे मुन्ना, अपना जादू मंत्र दिखा दे, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। पढ़। हाँ क्या, आजकल कितनी भी पियो ना, कुछ भी नशा नहीं होता अपने को। हाँ यार। Can I use the phone? Thank you. आप अकेली बैठी हैं, अच्छी नहीं लगती। क्यों? हमें भी ज्वाइन कीजिए ना। या हम ही ज्वाइन हो जाए? ए, फिर वो गाना क्या है? हाँ, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे। Shut up. अब ये अकेली नहीं है। तू कौन है? सबाब? हाँ? इनका मैं क्या लगता हूं वो एक बात है, और मैं किस किस का बाप हूं वो दूसरी, समझे? चलो यहां से चलते बनो, तुम लोगों का बिल मैं चुका दूंगा। सुनिए, थैंक यू वेरी मच। ये लफंगे? लफंगे तो ये हैं, लेकिन जब तक आप अपनी ये खूबसूरती ढक के नहीं रखेंगी, ऐसे लफंगे तो आपको मिलते रहेंगे। जी, जिसका मैं इंतजार कर रही थी लगता है वो नहीं आने वाली। मैं घर चलती हूँ। आइए, कहें तो मैं आपके साथ चलूं? जी, आप क्यों तकलीफ करेंगे, मैं तो घर चली जाऊंगी, अब तो कोई खतरा नहीं है। यही सोचकर तो आप यहाँ भी आई थी। आइए आइए। Thank you.
मैं जानता हूँ आज तुम बहुत खुश हो। रवि पास हो गया है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। कल के अखबार में उसका फोटो छपेगा, सारा हिंदुस्तान भी ये करिश्मा देखेगा। रवि ने अपने जिंदगी के 2.5 साल जेल में गंवाए नहीं, कमाए। और यकीन रखो, रवि अब ज्यादा दिन जेल में नहीं रहेगा। मगर रवि की सजा तो 4 साल की है। तुम लोगों का सुख छीनने में मेरा भी कुछ हाथ था, और अब दुख हटाने में मैं पूरी मदद करूंगा। अगर रवि के साथ कुछ ज्यादती हुई है तो उसे आजादी दिलाकर मैं अपना गिल्ट कुछ कम करूंगा। थैंक यू सर। गुरु, वो लीली का फोन कई बार आ चुका। मरने दो उसे। क्या होगा? कुछ नहीं, ये तो पिछले जन्म की बात है। वो कहता है ना कि पिछले जन्म का हिसाब अगले जन्म में हो ही नहीं सकता। रवि मल्होत्रा की सजा में 2 साल बाकी हैं। अगर उसने कोई हरकत करने की कोशिश की तो जला के राख कर दूंगा। मेरा विश्वास पराजय को जहर होता है, मेरा उल्लास उदासी को कहर होता है। मुझे घिरते हुए अंधियारों की परवाह क्या है, मेरी हर रात का अंजाम सहर होता है। फैंटास्टिक, कितनी अच्छी बातें करते हैं आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? हाँ, ये तो मैं भी सोचता रहता हूँ। वैसे अगर पहले मिले होते तो क्या होता? किसी से मिलवाती आपको? आपसे मिलने के बाद किसी और से मिलने की हसरत नहीं रही जी। हाँ, अमृत पीने के बाद कोई काढ़ा थोड़ी पीता है। आप हंसती हैं तो घुंघरू बजते हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि आपकी आंखों में आंसुओं का पहरा क्यों रहता है? कितनी उदास हैं आपकी आंखें, लगता है अभी रो देंगी। मुझे नहीं बताएंगी आप अपनी कहानी? कहानी? अच्छा कहा। कभी कभी जिंदगी भी एक कहानी बनकर रह जाती है। हर कहानी की एक शुरुआत, एक सेंटर और फिर एक अंत। मेरी कहानी का भी अंत नहीं हुआ, जब होगा जरूर बताऊंगी। पहचानते हो? भयानक सपनों को भूल जाना अच्छी बात नहीं। कुछ देने आया हूं तुम्हें, एक पैगाम, एक इनाम। लेकिन इससे पहले एक बात पूछना चाहता हूं। याद रखो, अगर झूठ का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आया तो उसकी आवाज मुझे सुनाई देगी। जिस जुर्म के लिए तुम यहां पर हो, क्या वो जुर्म तुमने किया था? सर, आधी से ज्यादा सजा मैं यहां काट चुका हूं और बाकी चैन से काट सकता हूं। तब तो झूठ बोलने की कोई वजह भी थी, मगर अब बिल्कुल नहीं। मैंने तब भी कहा था कि मैं बेकसूर हूं और आज भी कहता हूं कि मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। तुम्हारी रिहाई का हुक्मनामा
your release orders. लॉ मिनिस्टर ने कहा कि इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट जेल में क्या कर रहा है. थैंक यू. मुबारक. थैंक यू सर. और अब तुम्हारा इनाम.